छठ मैया की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और इसी मन की शांति के लिए सिमर की माता जी ने कस ली है कमर। जहाँ सिमर के लिए उसके घर वाले कर रहे हैं प्रार्थना, तो वहीं माता जी दे रही हैं प्रेम को आशीर्वाद। जा बच्चा जा, विजयी भव। सीरियल ससुराल सिमर में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां इंद्रावती से लड़ने के लिए सिमर निकल पड़ी है। तो वहीं भारद्वाज फैमिली में माता जी के साथ साथ पूरे घर वाले माँ अम्बे से कर रहे हैं सिमर की जीत के लिए प्रार्थना। सिमर का साथ देने के लिए सिद्धार्थ और प्रेम भी निकल पड़े हैं और इसी जीत के लिए भारद्वाज फैमिली दे रहे हैं अपने बच्चों को विजय भव का आशीर्वाद। जी प्रेम प्रेम नहीं रहा क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई, उसको कुछ भी याद नहीं। भारद्वाज परिवार को नहीं पहचानता, सिमर को नहीं पहचानता, अपनी बीवी बच्चों को नहीं पहचानता। सो होश में आता है और परिवार को देखता है कि एक परिवार के बीच में बैठा हुआ है और उसको इस बात से लेकर थोड़ा सा दुख होता है कि वो सब लोग दुखी हैं, वो उसको अपना प्रेम समझते हैं, वो विश्वास और प्यार उन सबकी आंखों में दिखता है उसे। सो कहीं ना कहीं बिकॉज ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग आता है नीचे और कहता है कि जिस मुसीबत में आप लोग हैं उसका सामना करने के लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा। माता जी आशीर्वाद देनी है माता रानी का टीका लगाकर कि जाओ और विजय भवी हो, विजय भवी, राइट, विजय भव। तो आप जा कर रहे हैं? वो तो मैं जा रहा हूँ सिमर और रोली को बचाने। तो वहीं सिमर के लिए इंद्रावती ने ऐसी चाल चली है कि सिमर बेचारी भागती ही फिर रही है। अब देखिए ना, सिमर के सामने ही इंद्रावती ने उनके गुरुजी पर जानलेवा हमला कर दिया। देखते हैं क्या इस बार भी माता रानी सिमर का साथ देती है। लेकिन इतना तो तय है कि सिमर में इंद्रावती का फुल ड्रामा लॉन्ग टाइम चलने वाला है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।